दोस्तों आज हम आपको जो चीज दिखाने के लिए जा रहे हैं वो इतनी शानदार है, इतनी शानदार है, इतनी शानदार है, मैं आपको क्या बताऊं। वो चीज आपने देखी तो बहुत बार होगी, लेकिन जो हम आपको आज दिखाने के लिए जा रहे हैं वो चीज शायद ही आपने देखी होगी। तो आज हम आपको वो चीज दिखाने के लिए जा रहे हैं। वीडियो इतना अच्छा होने वाला है कि अंत तक बने जरूर रहना भाई, नहीं फिर मिस कर जाओगे तो नहीं बोलना कि ऐसा वीडियो बनाया था और हम लोगों को नहीं पता चला। तो चलते हैं, गाड़ी स्टार्ट करो अपनी, चलते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जो चीज हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। आज मैं भी बहुत वो एक्साइटेड बोलते हैं ना, उत्साहित थी कि हम ये चीज सबने देखी है, लेकिन इनकी जो चमक है, इनकी जो एक चेहरे पे जो तेजस होता है वो आज तक हमने भी नहीं देखा ऐसा। तो चलो हम आपको भी दिखाते हैं। तो दिल थाम के बैठो दोस्तों और ये देखिए नजारा, और वीडियो को पूरा देखना। शीतल अपने दोस्तों को राम राम कर दो, ट्रेनिंग दे रहे हैं इनको। सर मत, वीडियो के साथ बने रहे, अंत तक देखना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि अपनी जो ये राजस्थान की मारवाड़ की जो कला है वो हिंदुस्तान के हर कोने में, हिंदुस्तान के नहीं पूरे भारत के कोने में, विश्व के कोने में ये कला जानी चाहिए। शीतल, तो दोस्तों इसका नाम है शीतल। ये वो खाट है जिसके ऊपर शीतल अभी डांस करेगी। कैसा लग रहा है? पीछे वो बच्चा है, ये देख सकते हैं। अच्छा लग रहा है, क्या बताऊं आपको। तो दोस्तों ये भैया है, ये राजस्थान से है, और ये इन घोड़ों की देखभाल, इनको सजाना, इनसे क्या करवाना पड़ता है, क्या क्या नहीं करवाना इनसे, ये डांस करवाते हैं इनसे। क्यों ना भैया, डांस करवाते हो ना इनसे? शादी बाल्टी में ले जाते हैं, शादी ब्याह में। अपने राजपूतों की शादी में आप लोगों ने देखा होगा कि घोड़े नाचते हैं खाट के ऊपर, तो ये वही काम करते हैं। और ये इनका खुद का चैनल है यूट्यूब के ऊपर। किस नाम से भैया आपका चैनल? रमेश सिंह रावत, घोड़ा मास्टर। तो दोस्तों हम इनके यूट्यूब चैनल का लिंक दे देंगे इस वीडियो के अंदर, तो आप इनके चैनल पे एक बार विजिट जरूर करना। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला, बहुत ही मज़ा आने वाला। आज ऐसे घोड़े आपने पिक्चरों में देखे होंगे, शादी ब्याह में भी ऐसे घोड़े नहीं देखे होंगे आपने। ये इन घोड़ों को स्पेशल आप सबके लिए जा रहे हैं, डांस करवा रहे हैं ताकि सब लोग देख सके आराम से। छोटा बच्चा है अभी, तो आप देख सकते हो पूरा जो अस्तबल बोलते हैं ना अपने, वो पूरा तैयार कर रखा है इन लोगों ने। और ये छोटा घोड़ा है, ये बोल रही मैं, चल पकड़ ले, तू पकड़ ले। ये देखो वो भैया अपने इस घोड़े को तैयार कर रहे हैं, पूरा सजा के फिर इससे डांस करवाएंगे। जो आपने लगाया है वो, ये आगे वाला संगार बोलते हैं, ये काठियावाड़ी संगार। अच्छा, ये काठियावाड़ी सजावट हो रही है घोड़े की। अच्छा, गुजरात में यही चल रहा है श्रृंगार सबसे। तो दोस्तों ये सबसे फेवरेट श्रृंगार है गुजरात के अंदर, जिसको काठियावाड़ी श्रृंगार बोलते हैं। कितना टाइम लगता है घोड़े को सजाने में आपको? ये तो सामान अभी अंदर पड़ा था, बाकी ओनली 4-5 मिनट में घोड़ी कंप्लीट हो जाती है। ये लोग 5 मिनट में घोड़ी को एकदम बन ठन के तैयार कर देते हैं भैया। ये देखो आपने इसकी आवाज सुनी होगी घोड़े की, ऐसा घोड़ा पहली बार छुआ भी नहीं होगा है ना। लेकिन ये घोड़ा भी बिल्कुल एकदम वो क्या बोलते हैं, शांत, शाणो, मारवाड़ी बोलते हैं शाणो। चोटी बोलते हैं, कलंगी तो मोर को बोलते हैं। गुजराती में केवाली बोलते हैं इसको, और मारवाड़ी में बोलते हैं अपने चोटी। ये इसको घुंघरू पहनाए जा रहे हैं, तो घुंघरू घुटनों पे बांधते हो आप हैं? नीचे भी बांधते हैं, ये काठियावाड़ी घुघरे ऊपर रहते हैं, अपना जो मारवाड़ी घुघरे रहते हैं वो नीचे रहते हैं। अच्छा, इसमें भी दो वैरायटी के घुघरे रहते हैं। अच्छा, गुजरात में जो घुंघरू बांधते हैं वो घुटने पे बांधते हैं, और अपने जो मारवाड़ में राजस्थान में बांधते हैं वो नीचे, जहाँ ये पांव है, पांव के जो ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा बांधता है, यहाँ बांधते हैं। शीतल, तो दोस्तों इसका नाम है शीतल। अब शीतल देखो कैसी लगने लग गई, पहले कैसी लग रही थी और अभी देखो कितनी प्यारी और सुंदर लग रही है शीतल।
बड़े ही प्यार से इसको शीतल का नाम दे दे के इतने प्यार से सजा रहे हैं, शीतल बेटा करके बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये बहुत मजा आ रहा है, आपको भी वीडियो देख के बहुत मजा आ रहा होगा, कमेंट करके जरूर बताना। वाव, अब ये देखो इतनी प्यारी लग रही है। ये वो खाट है जिसके ऊपर शीतल अभी डांस करेगी और पीछे वो बच्चा है, ये देख सकते हो आप कैसे नाचने के लिए तैयार है ये एकदम। वाह, आप जरा आप में से बहुत से कम लोगों ने देखा होगा ऐसा घोड़ी को नाचते हुए, ये देखो। ओ ये देखो खाट पे पांव रख दिए इसने, ये इनको ट्रेनिंग भी देते हैं भैया, इनको इनका यही काम है घोड़ों को डांस सिखाना, इनको ट्रेंड करना। अभी शीतल को ट्रेन भी करे, देख सकते हो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं इनको। ओ शाबाश, ओ कैसा लग रहा है आपको वीडियो देख के दोस्तों? अभी ये राम राम करेंगे, देखना ये देखो। ये रामा पीर की घोड़ी है, इसको बोलते हैं सावधान, इसको सावधान बोलते हैं। एक बार और सावधान हो जाओ आराम से, ये देखो ताली बजाओ एक बार इस घोड़ी के लिए, शीतल के लिए, कमेंट और शेयर बन जाए, देख सकते हो आप। ये लो एक पांव पे धोक लगा रहे हैं ये, चलो आप दोनों पैर का लगाओ बेटा, आराम से लगाओ दोनों का। ये लो तो शीतल के लिए एक लाइक और एक कमेंट और एक शेयर जरूर कर देना दोस्तों। अब ये घोड़ी भी शीतल अपनी, अरे बेटा ये ये आपका भी मन कर रहा होगा कि ये वीडियो पूरा देखने का, वीडियो पूरा देखना आप। ये शाबाश, ओहो कितने टाइम तक ट्रेंड करते हो आप इनको रोज? 10 मिनट रोज, ये भैया रोज इनको 10 मिनट ये सब सिखाते हैं। तो फिर ये शादी ब्याह में कहीं कोई मेला वेला लगता हो इनका, वहाँ पे इनको लेके जाते हैं, वहाँ पे अपना कर्तव्य दिखा के आते हैं इन घोड़ों के साथ। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो आप, ये बेजुबान जानवरों को आप ये सब सिखा रहे हो, बहुत ही ये नहीं, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती, ये कला बहुत ही कम लोगों में होती है मान के चलो। शीतल एक बार सबको राम राम कर दो, शीतल अपने दोस्तों को राम राम कर दो, ये लो राम राम कर रही है सबके लिए। शीतल सबको नमस्ते कर दो और सबको बोलो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। ये लो दोस्तों इस शीतल के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, कमेंट भी करना। शीतल का वीडियो आपने देखा, अभी आगे और भी वीडियो आएंगे, राधा सपना रेशम भवानी इन सब पायल इन सब के वीडियो आएंगे। तो दोस्तों हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए ताकि आप इन सब के वीडियो मिस ना कर सको।